ऋषि, आपने वेडिंग लोन्स के बारे में बताया, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे ये धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, एक और स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ आपको मैं। कॉरपोरेशन बैंक की ही ये कॉप शुभ विवाह स्कीम है। इसके तहत जितने भी खर्चे होते हैं, बीट, शामियाना, हॉल बुकिंग, केटरिंग वगैरह का खर्च इसमें कवर होता है। इसमें एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपकी राय चाहती हूँ कि खुद की शादी, अपने बच्चों की शादी के साथ साथ आप अपने भाई बहन यानी सिबलिंग्स की शादी के लिए भी लोन ले सकते हैं। साथ ही इसमें बैंक ने अपनी साइट पर मेंशन किया है कि फ्लोटिंग रेट पर आपको लोन मिलता है। तो इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्कीम्स विच आर देयर, जैसे टाटा कैपिटल की आप स्कीम की बात कर रहे थे, क्या सारी स्कीम्स में फ्लोटिंग दर पर ही लोन मिल रहा है? हाँ जी, बेसिकली पर्सनल लोन ज़्यादातर इसी दर पे लोन मिलता है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। देखिए, जब भी कोई बैंक एक स्पेशल स्कीम निकालता है तो वो एक प्रोसेस ओरिएंटेशन के लिए, कस्टमर के लिए आसान बनाने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। तो अगर आप एक डिफरेंस मांग रहे हैं वेडिंग लोन और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस है, सी बैंक्स ने रियलाइज़ किया कि लोग वेडिंग के लिए लोन लेते हैं, क्या ऐसी चीज़ें किए जा सकती हैं कि उनका ये लोन लेना आसान हो सके। क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन आसान हो, क्या हो कि बैंक समझे ये किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, वो कितने डॉक्यूमेंट्स मांगे और कितना 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 चीज़ें वो चेक करें, किस बेसिस पे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या होता है कि जब एक बैंक एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट निकालता है तो कस्टमर का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट भी आ जाता है और वो उसको लेने को आसान समझता है कि उसके दिमाग में होता है हाँ वेडिंग में खर्चा हो रहा है, क्या करूँ अगर कम पड़ गया, वेडिंग लोन ले लूँ। तो इस तरह से वेडिंग लोन एक प्रोडक्ट बनता हुआ जा रहा है। अभी ये बड़े नेसेंट स्टेज पे है, स्टार्टिंग की स्टेज पे है, तो दो तीन बैंकों ने ये प्रोडक्ट निकाले हैं बट एक रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। पर अगर आप माने कि वेडिंग के खर्चे के लिए पर्सनल लोन सैलरीड में एक आम बात है, कहा जाता है कि हर चौथा लोन जो पर्सनल लोन होता है वो वेडिंग के लिए ही होता है, चाहे वो उसके माँ बाप ले रहे हैं बच्चे के लिए या बच्चा अपनी शादी के लिए खुद ले रहा है, तो इन दो बेसिस पे होता है। जहाँ तक इसके इंटरेस्ट रेट का सवाल है, 13.45%, क्या इसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस वगैरह, मतलब ओवरऑल जो फाइनल ब्याज दर होगी वो कितनी होगी? जितनी लग रही है 13.45% उतना ही देना होगा लोन लेने वाले को या फिर उससे ज्यादा है? ये 13.45 ही होती है और डिपेंड करता है कि आपका उसमें जो आपने प्रोसेसिंग फी बताई वो एक बैंक का एक फिक्स रेट होता है। अगर आप जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आई थिंक वो वन टाइम होगा, जब वन टाइम होगा एक ही बार कटेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये भी है कि आप जब बैंक से नेगोशिएट करेंगे तो कई बार वो वेव ऑफ भी कर देते हैं। हाँ जी, तो आपको सी पर्सनल लोन में एक बहुत जरूरी बात है, आपको एक समझना चाहिए कि एक आदमी को एक बैंक 13% भी दे सकता है, दूसरा बैंक 16% भी दे सकता है, तो उसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो जब वो वेडिंग लोन लेने जा रहे हो तो आप ये मत समझिए कि मेरे पास जिसका अकाउंट है मैं उसी से लोन ले लेता हूं, आसान पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें 2% के डिफरेंस में आपको 30,000 से 40,000 रुपए का इंटरेस्ट में फर्क पड़ जाएगा। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको कोई बैंक 13% दे रहा होगा, कोई 14% दे रहा होगा, कोई 15% दे रहा होगा। तो अगर आपको जो बेस्ट लग रहा है प्रोसेसिंग फी का खर्चा मिला के आप उस बैंक की तरफ चली जाए, क्योंकि पर्सनल लोन में वेरिएशन बहुत है। आप अगर होम लोन में कहेंगे वहां वेरिएशन कम होती है, पर्सनल लोन और वेडिंग लोन में वेरिएशन बहुत है, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, यानी कि कोई भी व्यूअर जो इस वक्त देख रहा है शो को और शादी करने की सोच रहा है या फिर लोन के बारे में अगर ख्याल आ रहा है तो आप कंपैरिजन जरूर करें, इट माइट बी आपको बहुत अच्छी डील मिल जाए नेगोशिएशन के आधार पर। और जैसा ऋषि ने शुरुआत में भी कहा कि जिस बैंक में आपका ऑलरेडी खाता है, जहां पर एक अच्छा रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हैं, वहां से लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कुछ बारीकियां जो समझाई हमें ऋषि ने भी, यानी कुछ इसके जो इफ्स एंड बट्स हैं, प्रोस एंड कॉन्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही आप आगे बढ़े। तो ऑल द बेस्ट उन सभी व्यूअर्स को जो शादी करने जा रहे हैं और लोन लेने की सोच रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, शुक्रिया ऋषि आपका भी समय निकालकर आपसे बातचीत की आपने हमसे। फिलहाल मनी ग्रो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।